हेलो, जय हिंद। फुल टाइम आर्मी में मेरा ड्यूटी है, तो मैं इधर रहने वाले इधर एमपी से हूँ। अच्छा, आपको अगर गाड़ी लेना है तो मैं आपके लिए गाड़ी आर्मी ट्रांसपोर्ट से आपके होम एड्रेस पर गाड़ी भिजवा दूंगा। कल मॉर्निंग में 8-9 बजे तक गाड़ी आपके घर पे आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक और लाइव फ्रॉड दिखाऊंगा जिसमें कि रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट है उसको बेचने के नाम पर किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने फेसबुक पर सर्च किया बुलेट सेल, ठीक है, कोई अगर बुलेट बेच रहा हो। फिर मैं गया पोस्ट पे, तो किसी ने पोस्ट डाली हो, तो मेरे को सबसे पहला पोस्ट मिला रॉयल इनफील्ड क्लासिक 2017 का मॉडल है, 15,000 किलोमीटर चली है, नंबर दे रखा है 52,000 रुपये, मात्र 52,000 रुपये में ये बुलेट बेच रहा है। बुलेट की अगर फोटो देखें तो ये देखो कितनी सही सही फोटो है, बिल्कुल नई लग रही है। तो क्या 52,000 रुपये में, जो कि आई थिंक 1,80,000 या 2 लाख की कीमत होगी, वो 52,000 में बेचेगा 2017 मॉडल और केवल 15,000 किलोमीटर चलेगी? नहीं। अब मैं इस पेज पे जाता हूँ, ये बुलेट सेल जो है, तो आप देख सकते हो इसने एक पेज बनाया है जिसमें केवल 2 ही लाइक्स हैं और प्रोडक्ट और सर्विस करके इसने बनाया है, तो ये पूरा टोटली फ्रॉड है, ठीक है। तो इसने जो नंबर दिया है, चलो उस पर कॉल करके देखते हैं। हेलो हाँ सर। सर, मैंने बुलेट का एड देखा आपका, हाँ जी सर वो अवेलेबल है बुलेट? अवेलेबल है, अभी मैं आपसे 5 मिनट के बाद करता हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, है ना? ठीक है सर, ठीक है, कॉल कीजिएगा, मेरे को अर्जेंट चाहिए था, सस्ती में कोई बुलेट मिल जाएगा। ओके सर, ओके सर। तो दोस्तों 1 घंटे बाद इसका कॉल आया है, ठीक है, अब मैं कॉल उठा रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी सर, हाँ सर बोलिए। हाँ सर, वो बुलेट का एड था ना मैंने आपका। हेलो, हेलो, हाँ जी, बुलेट 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 का एड देखा था सर आपका। कैड, हेलो, हाँ सर बुलेट है ना अपने पास, 2017 मॉडल, 2000 कितना अर्सा कितना चलाया वो? 16,000 किलोमीटर चला है। 16,000 किलोमीटर। पचास सर प्राइस क्या है उसका? हजार 50,000, 2017 का मॉडल सर। हाँ जी। तो सर कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे है सर ये? अपना ये मेरा ड्यूटी है प्रेजेंट टाइम, राजस्थान कोटा आर्मी कैंट राजस्थान कोटा में सर? जी, कोटा में आर्मी में मेरा ड्यूटी है, तो मैं इधर रहने वाले इधर एमपी से हूँ। अच्छा, हाँ तो सर अच्छा, कोटा राजस्थान आर्मी में ड्यूटी है आपकी। बाइक तो फिर ये बुलेट एमपी में है सर? नहीं सर, मेरे पास में ये, मैं आपको अगर गाड़ी लेना है तो मैं आपके लिए गाड़ी आर्मी ट्रांसपोर्ट से आपके होम एड्रेस पर गाड़ी भिजवा दूंगा। कल मॉर्निंग में 8-9 बजे तक गाड़ी आपके घर पे आ जाएगा। अच्छा, ऐसा हो जाता है सर? मतलब मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, तो इतनी दूर आ जाएगा सर? हाँ सर, आ जाएगा। अच्छा, तो सर सही है, बुलेट सही है? अरे भैया सही सही है, और का शोरूम कंडीशन का है, अभी तक कोई दूसरा ड्राइवर बैठे नहीं है। अच्छा, तो सर फिर कैसे करना पड़ेगा, मेरे को लेना है इंटरेस्टेड हूँ मैं। आपको जिसके नाम गाड़ी कराना है उसका एक आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो व्हाट्सएप में डालना है आपको। मैं इधर से गाड़ी आपके लिए नाम रजिस्ट्रेशन करा के कम्प्लीट भेज देता हूँ, तो आपको 5,150 रुपये आपको बिल पोस्टिंग के लिए जमा करना पड़ेगा, बाकी 45,000 जैसे गाड़ी आएगा उसके बाद में देना अच्छा, अभी 5,000 अभी आपको पहले करना पड़ेगा जमा? नहीं सर, वो आर्मी ऑफिस में जमा करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए, मतलब बिल पोस्टिंग के लिए। आर्मी ट्रांसपोर्ट का गाड़ी लेके आएगा तो सर उसमें से वो अपनी डेली से माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो सर वो उसको कैसे, मतलब आर्मी ऑफिस में, कौन से ऑफिस में जमा करना है वो 5,000? वो मैं आपके लिए अब आपके आर्मी ऑफिस का काउंटर नंबर दे दूंगा, उस पर जमा करा देंगे। अच्छा, तो उसके बाद आप मेरे को ट्रांसपोर्ट से भेज दोगे वो बाइक? जी सर, जी। तो सर मैं तो आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कैसे आपको एकदम? सर नो प्रॉब्लम, मेरी बात सुनो सर, मैं आपके लिए अपना पूरा घर तक का आईडी दे दूंगा, अपना आर्मी कार्ड जो भी मेरा आईडी आधार कार्ड पैन कार्ड होता है वो सब दे दूंगा, ठीक है? आप अपना मेरे को आधार कार्ड और एक फोटो व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। अच्छा, तो सर लेकिन आपका तो मेरे को आर्मी का भी कार्ड देखना पड़ेगा ना सर, कैसे मेरे को यकीन तो कैसे करूं मैं? जी, मैं आपके लिए टोटल मेरा आईडी दे दूंगा, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके सर,
ओके अब सर वीडियो शो हो जाएगा एक बार, तो मैं मेरे को क्योंकि अर्जेंट चाहिए वो, एक बार क्या क्या वीडियो क्या बनाता तो तसल्ली हो जाती, तो मैं 5 हज़ार क्या क्या बोल रहे हो सर? सर वीडियो कॉल हो जाएगा? वीडियो कॉल हाँ सर, वीडियो कॉल हो जाएगा ना? अच्छा, तो मेरे को तसल्ली हो जाती ना सर, मैं फिर अभी आपको 5 हज़ार भेज देता तो कल तक मेरे को मिल जाएगा ना बुलेट। तो यस यस। ठीक है सर, अभी देखो सर, अभी मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, स्नान करके नहाने के फ्री होके कपड़ा पहन के मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है, आप मेरे को अभी करो वीडियो कॉल। ओके ओके ओके। तो दोस्तों अब ये बंदा वीडियो कॉल, ये आर्मी का नाम लेके कि कोटा में पोस्टिंग है या एमपी भोपाल में पोस्टिंग है, ये यही करते हैं। अब किसी का इसने आईडी कार्ड पता नहीं कहाँ से लिया है, चुराया है, कैंटीन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, ये व्हाट्सएप पे भेजेगा, ठीक है, ये पुराना इनका वो है। अब ये जो वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल में ये लोग क्या करते हैं, या तो इसने किसी, या तो यूनिफॉर्म कहीं बाहर सिलवाई होगी वो पहन के ये कॉल कर लेगा, या ये क्या करते हैं कि कोई भी जो ओरिजिनल वीडियो रहते हैं आर्मी के ना, जिसमें आर्मी के जो हमारे जवान हैं उन्होंने कोई वीडियो शूट किया रहता है, तो उसको म्यूट करके जैसे व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे तो दूसरे फोन पे वो वीडियो चला देंगे, और जिस फोन से व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, उसके कैमरे के आगे वो दूसरा फोन रख देंगे, तो इस पे ओरिजिनल वीडियो चलता है, और ये पीछे से ही अपनी आवाज बोलते रहते हैं कि सर सिग्नल नहीं आ रहे हैं और कनेक्शन इशू हो रहा है, ये ऐसे ऐसे करके बोलते रहते हैं, तो ये इनका तरीका होता है। तो देखते हैं अब ये क्या करता है, कोई यूनिफॉर्म पहन के कॉल करता है या किसी और का वीडियो चलाता है। तो दोस्तों सुबह से शाम हो गई है और शाम को अब इसका कॉल आ रहा है। हेलो जय हिंद सर, आपका कट कट के आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि किसी और का वीडियो चला लेते हैं और पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, अभी मेरे को कॉल करके बोलेगा कि नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो इसने अभी एक रिकॉर्डिंग भेजी है मुझे, डायरेक्ट कॉल करो। अब मैं इसको डायरेक्ट कॉल करूंगा तो ये मुझे बोलेगा कि सिग्नल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आपका वो वीडियो चला नहीं ढंग से। अरे अरे सर, वो वीडियो कॉल करना अलाउ नहीं होता, फिर भी मैंने आपके लिए वो कंफर्मेशन के लिए कॉल किया है। ठीक है। अच्छा ठीक हाँ है, ठीक है सर। तो ठीक है सर, तो मेरे को आप वो उसका फोटो, बुलेट का फोटो और अपना कार्ड वार्ड जो भेज रहे हो, आधार कार्ड वगैरह ना, वो भेज दो। सर, वो आप अपना आधार कार्ड और एक फोटो डाल दो, फिर मैं डाल देता अपना। ओके ठीक है, ठीक है, हाँ डालो, तुरंत डाल दो। हाँ कब तक आ जाएगा ये? सर कल आ जाएगा 9-10 बजे तक। अच्छा ठीक है, तो मेरे को अकाउंट की डिटेल भेज दो अभी, मेरा फिर दोस्त को वो भेज बोलना दूंगा पड़ेगा। अभी अभी तुरंत भेज दूंगा, आप अपना वो भेजो, अपना आधार कार्ड और एक फोटो। ठीक है, ठीक है। तो अब ये डबल शाना बन रहा है, ये पहले मुझे बोल रहा है कि आप भेजो पहले, वरना बाकी केसेस में क्या होता है कि ये अपने खुद से ही भेज देते हैं, तो अभी ये मुझे डबल चेक करने के लिए पहले मेरा आधार कार्ड वगैरह मांग रहा है, तो जो कि मैं से दूंगा नहीं, लेकिन आप फ्रॉड तो आप समझ गए होंगे कि फ्रॉड क्या है। फ्रॉड ये है कि आर्मी का नाम लेकर ये लोग इस तरीके से बेच रहे हैं, कोई बुलेट बेच रहा है, कोई ट्रैक्टर बेच रहा है, बहुत सारे किसान भाइयों को उन्होंने बहुत चूना लगाया है, ऐसी बुलेट है, स्कूटी है, कार है, बहुत तरीके की इन्होंने चीजें बेची हैं, बहुत लोगों को चूना लगाया है, ठीक है, केवल आर्मी के नाम पर। तो इनका जो फ्रॉड करने का तरीका तरीका यही है कि ये बोलेंगे कि आर्मी के ट्रांसपोर्ट से आपका कार आएगा, कार आएगी या ट्रैक्टर आएगा या बुलेट आएगी आर्मी के ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए पहले आपको 5 हज़ार रुपये या 8 हज़ार रुपये जमा करने पड़ेंगे, तो हम जब 5 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये जमा कर देते हैं तो उसके बाद ये अपना फोन नंबर वगैरह बंद कर देते हैं, तो यही फ्रॉड है और इस फ्रॉड से आप बच के रहिए, ठीक है। और हाँ, मेरे चैनल को यूट्यूब पर मयंक मैथानी नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेगुलर अपडेट्स के लिए इस तरीके के जो नए नए फ्रॉड्स आ रहे हैं उसको मैं वहाँ पे डालता रहूँगा, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैं मैथानी, मुझे लाइक कीजिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।